ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर भाई, आप तो रोहित शेट्टी को भी पीछे छोड़ दिया आपने तो यार। अरे और वो डायलॉग, नाम से आदरणीय और काम से मादरणीय। मैं एक बात बोलना चाहूँगा उनके बारे में, देखो क्या है ना, अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत नहीं है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वेलकम टू हॉलीवुड प्रेमी दोस्तों, ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर अपनी नई पिक्चर लेके आए, नाम है जनहित में जारी। और हमारे साथ में आ गया हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स, बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। ट्रेलर अभी अभी देखा है इन्होंने और काफी हंस रहे। शुरुआत करूंगा फर्स्ट इडियट गोलू के साथ में, कैसा लगा ट्रेलर जनहित में जारी स्टारिंग नुसरत भरूचा? नुसरत भरूचा बहुत सही। और मैं पहले ही अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जनहित में जारी एंटरटेनमेंट पैक भारत को मिलने ही वाला है। हंस हंस के पागल होने वाले, पेट पकड़ के हंसने वाले, माइंड ब्लोइंग, मतलब इतना एंटरटेनमेंट होने वाला ना, हम लोग की तो अभी भी हंसी मैं तो कंट्रोल कर रहा हूँ, इन लोग को देख के हंसने को आ रहा है। मतलब बोलते हैं ना, साफ सुथरा फनी एक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो इसमें दिख के आ चुका है। बिना गालियों के भी गाली दे जा सकती है। जैसे इनको एक सीन बहुत पसंद आया, वो मैं ही बोलूंगा, यही बोलेंगे आदरणीय, यही बोलेंगे। बहुत मजा आया देखने के लिए। और मैं लिख के देता हूँ ये पिक्चर जनहित में जारी, क्या सब जगह पे जारी करना चाहिए जनहित में, और ये देखनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, मतलब एक वे दिखाया, एक फ़नी मोमेंट से और एक फ़नी सीन से जो भी एक्ट होगा उसमें से एक सोशल मैसेज भी लोगों तक पहुंचा जाएगा। कि और मेन बात तो मेन सामान, मेन प्रोटेक्शन का तो उसमें दिखाया ही है, कॉन्डम का तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भी अभी मेरे को बोलने की गरज तो है नहीं, ज्ञान देने की, लोग जानते हैं 18 साल के हुए नहीं कि बचपन से 18 साल के होते हैं वो। ट्रेलर बहुत अच्छा लगा, जबरदस्त। सेकंड के पास में इन्होंने जैसे बोला शुरू कर दिए, आज जनहित में जारी। हाँ, शांडल्या ने राइटिंग की है, यस, कहानी लिखी है। ड्रीम गर्ल कैसा लगा आपको ट्रेलर? ड्रीम गर्ल के राइटर है, सुपर, मतलब कि ट्रेलर हिट है बॉस। मतलब कि जो पहले हमने टाइटल जो सोचा जनहित में जारी, तो टाइटल मतलब कि कुछ, यस यस, कंट्रोवर्सी लगा एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ट्रेलर देखा, बाप रे बाप, अभी भी हसीने चूट रहे। तो सोचो पिक्चर आएगी तब क्या होगा। इसमें विजय राज भी है, उनका मतलब बहुत अच्छा रोल किया, कड़क पिता के रोल किए शायद। अरे और वो डायलॉग, नाम से आदरणीय और काम से मादरणीय। खतरनाक, मतलब कि उन्होंने बोला, मतलब कि प्योर एंटरटेनमेंट, मतलब कि पुल कॉमेडी पैक, कॉमेडी पैक मूवी है, जिसमें मतलब कि कॉन्डम्स के ऊपर थोड़े एंड सोशल मैसेज भी, अगर लास्ट 5 मिनट में अगर आप देखोगे ना, थोड़े इमोशंस नज़र आएंगे, लेकिन लास्ट में भी उन्होंने कॉमेडी नहीं सोचा है। तो उन्होंने वो जब विजय राज बोलते हैं ऐसे करते वैसे करते, तुम भी कुछ बोलो, और वो बोलते हैं हाँ अभी तक बोला था, दो चाय अभी तक नहीं आई है। और जैसे इन्होंने कुछ कहा था, आजकल के बच्चे 18 से पहले ही 18 साल के हो जाते हैं। मुझे याद है आज भी मैं 12-13 साल का था, जब भी मैं तभी मैं मैंने ग्रैंड मस्ती देखी थी। तो मेरे पापा भी बोले थे, नाम से आदरणीय और काम से मादरणीय। हमारे दोनों पॉइंट नहीं सके, बिल्कुल ट्रेलर बहुत जबरदस्त लगा, कड़क बनाया बोलते हैं। आऊंगा थर्डी डेट समृद्ध के पास में, कैसा लगा आपको जनहित में जारी करते? ये अभी बहुत मेरे बहुत टाइम के बाद ऐसा होने वाला कि बॉलीवुड की तारीफ होने वाली है यार। वो एक कमेंट सेक्शन ना सर्च होने जा रहा है, ये सर्च होने जा रहा है। लेकिन अभी मैं बोलना चाहूँगा जनहित में जारी, ऑडियंस की खटिया खड़ी होने वाली। अच्छा। मतलब मज़ा आने वाला है, थिएटर में हंस हंस के कुर्सियाँ टूट जाएगी। इतना उठ उठ के हंसेंगे ना, कुर्सियाँ बोलेगा कम हंस मेरे भाई। लेकिन ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर, अरे यार मतलब भाई, आप तो रोहित शेट्टी को भी पीछे छोड़ दिया आपने तो यार। कंटेंट बहुत अच्छा, मतलब ऐसा बोल सकते ये डेट के नीरज वोरा है अब। ये टाइम के नीरज वोरा है। और नुसरत भरूचा को हॉटनेस पे सीधा साड़ी पे लेके आने डायरेक्टर, अरे मानना चाहिए यार। मतलब नुसरत भरूचा इतनी क्यूट लग रही है ना, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है ना, कि देख के बोले वाह हाय हाय। कार्तिक आर्यन जब सोनू की टीटू की सीटी आई थी, कार्तिक आर्यन गुस्सा, मतलब बोलते हैं नाराज थे, ये ट्रेलर देख के तो और खुश हो जाएंगे बस। लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि नुसरत भरूचा वो अभी आने वाली बहुत अच्छी एक्ट्रेस होने वाली है बस। क्योंकि ये जो सोशल ड्रामा फिल्म है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डर भी है एक फिल्म में सबसे पहले। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है
वो किसी को समझ में आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि जब 2019 में फिल्म आई थी पैडमैन, वो फिल्म चली थी क्योंकि वो अक्षय कुमार थे और उनकी स्टोरी उनकी बीवी ने लिखी थी, ट्विंकल ने फिल्म लिखी थी, लेकिन मिसेस हाँ तो और जो बिल्कुल फनी नहीं रही, एग्जैक्टली लेकिन पहली बात है ना, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ज़रूर चलेगी मेरे हिसाब में, प्रेडिक्शन में ऑडियंस के दिलों में भी छाएगी ये मूवी। मैं एक बोलना चाहूंगा, जैसे अभी इन्होंने बोला नुसरत भरूचा को लस्टीनेस सेक्सीनेस से डायरेक्ट साड़ी पे ले आए, तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा उनके बारे में। देखो क्या है ना, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत नहीं है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। एक बात ध्यान रखिए, शर्मा जाएगी ये सुन के। नहीं नहीं भाई, दिल से अच्छा लगा यार, दिल से अच्छा लगा। मैं पूछना चाहूंगा आप तीनों से, क्या लगता है कि इस कहानी में हीरो नया है? यस, हीरो नया है। हीरो की भूमिका एकदम ना के बराबर है। हाँ हाँ, नुसरत ने ये पूरा पिक्चर अपने कंधे पे लिया है ऐसा लगता है। अरे नहीं नहीं, ऑब्वियसली वो दिख के आ रहा है, क्योंकि देखो न्यू कमर जैसा लग रहा है, पहले भी उसने शायद किया होगा, इतना हम लोग ने इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाई ये टाइम के लिए, क्योंकि हम लोग ने ट्रेलर देखा जस्ट हंसने लगे और डायरेक्ट फिर हम लोगों ने बोला रिव्यू करते डायरेक्ट। तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर नुसरत ने खुद के कंधे पे लिए तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम होगा कि वो अपने अकेले दम पर ये पिक्चर चलाएगी, और मतलब दुआ यही कर देगी पिक्चर चलनी चाहिए और लोगों तक वो मैसेज पहुँचना चाहिए। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अपने जो बॉलीवुड, देखो अभी बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस है फीमेल एक्ट्रेस, उनके ऐसे बहुत सारे पिक्चर, अभी तो फिल्म भी आ रही धाकड़, जब कंगना रनावत पीछे ही है, वो तो राउडी गले वो, लेकिन नुसरत भरूचा अभी ट्रेलर हाथ से उठा है, अभी उसको दिलों पे राज कराना है, तो ये फिल्म है ना कंधे पे का सिर पे भी उठाएगी फिल्म। और पहली बात मैं लिख के देता हूँ, मेरे को मालूम नहीं वो टाइम पे कौन सी बॉलीवुड की फिल्म आएगी नहीं आएगी आई डोंट नो, लेकिन कौन सी भी फिल्म है बड़ा सा बड़ा एक्टर है, लेकिन इसके सामने फिल्म की आप नहीं चलेगी, इसके सामने नहीं चलेगी, क्योंकि देखो ड्रीम गर्ल के डायरेक्टर है और विनोद भानुशाली उनका समथिंग नया प्रोडक्शन हाउस है, मैंने अभी ऐसा सुना है, मैंने छोड़ दिया उन्होंने, उन्होंने खुद का ओपनिंग, एग्जैक्टली खुद का ओपनिंग, और दिख के आ रहा है उसका कलरिंग बोलो, उसकी स्टोरी टेलिंग बोलो, उसके पूरा कास्टिंग और समथिंग नया एक्टर है वो भी चलेगा, लेकिन नुसरत भरूचा आई ना आफ्टर लॉन्ग टाइम तो मजा ही आएगा, मजा ही आएगा कह रहे हैं। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे जनहित में जारी को? जनहित में जारी को 5 out of 5 दिया ट्रेलर को, आप कितने देंगे? मुंबई गोलू 5 में से 4 देना चाहूंगा। ओके, मैंने स्टार दिए, क्योंकि बात ये है कि गाने जबरदस्त होने चाहिए थे। और आपने एक गाना ट्रेलर में सुना, आपने कहा कि रफ्तार को दिया है गाना। यस यस, बस इच्छा तो ये होगी जैसे गाना वो हमेशा पावर पैक देते हैं रफ्तार बाजी, वैसे ही इसमें भी देंगे। इसमें एक होली का कॉन्सेप्ट भी दिखा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड ने हमला हमारी सुन ली, ऐसा लगता है। हर बार कहते रहते हो कि कुछ तो एक इंडियन ट्रेडिशन, एक फेस्टिवल दिखाना चाहिए मेरे, ऐसा नहीं कि होली, ऐसा नहीं होली स्पीकिंग जो बॉलीवुड के डायरेक्टर से वो लोग फेस्टिवल दिखाना भूल गए फिल्मों में। वो उन लोगों को क्या लगता है मालूम है, एक 2-3 समुंदर दिखा है, 2-3 नंगी पिक्चर दिखा है, तो ऐसा नहीं कि पिक्चर सुपर हिट होगी। यस यस, वैसे तो इंडिया में कहते हैं ना, ट्रेलर हिट तो पिक्चर हिट, गाना हिट तो पिक्चर सुपर हिट, तो जनहित में भी पिक्चर हिट दिखा रही है, जनहित तो पिक्चर हिट, तो ट्रेलर तो अच्छी है, मेरी तरफ से भी 4 स्टार। आपने भी 4 स्टार दे दिया। ऑनेस्ट रिएक्शन फ्रॉम मुंबई के 3 डेट जनहित में जारी स्टारिंग नुसरत भरूचा, पिक्चर आएगी 10 जून को, हम आएंगे आपके पास में आपका ऑनेस्ट रिव्यू और रिएक्शन। एंड दिस वाज वेरी एंड वेरी ऑनेस्ट, कोई किसी से कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं, सिर्फ सच्चा रिव्यू, सिर्फ सच्चा रिव्यू।